अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोनिया खान। फ्रेंड्स, आज मैं बना गई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो हम ये विंटर स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप बना गए हैं। इस मज़ेदार से सूप को बनाने के लिए मैंने लिया है, सबसे पहले मैं 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करूँगी इसमें। अब मैं इसमें लहसुन चॉप किया हुआ डाल दूंगी। ये 4 कलियां हैं लहसुन की, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 लीटर चिकन की यखनी है ये डाल दूंगी। मैंने ये 2.5 लीटर पानी में चिकन को डालकर बॉईल कर लिया था, तो ये इसकी यखनी है। 1/2 किलो मैंने चिकन ली थी, यखनी में बॉईल आ चुका है। तो मैं इसमें 1 प्याली गाजर कटी हुई डाल दूंगी, बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर हमने डाल दी है। और साथ ही में मैं इसमें ये बंद गोभी है, ये भी मैंने 1 प्याली ली है, इसको भी बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और हरी प्याज हमने ले लिए, इसका पीछे का जो हिस्सा होता है नीचे का, वो हमने काट लिया था बारीक, वो डाल दिया है इसमें। और साथ में ही मैं ये चिकन बॉयल की हुई, इसका मैंने रेशा ऐसे बना लिया है 1 प्याली भर के, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना है, वरना फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है सूप का। अब मैं इसमें ये 4 चम्मच चिली सॉस है ये डाल गई हूँ। तीन चम्मच ये वाइट विनेगर है ये डाल दिया है हमने। 2 चम्मच सोया सॉस है ये डाल दिया हमने। 1 टेबल स्पून भर के ब्लैक पेपर हमने डाल दिया है, पिसी हुई काली मिर्च। 1 चम्मच चिकन पाउडर हमने डाल दिया है, और चिकन क्यूब्स भी इसमें आप डाल सकते हैं। बस इसको मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। 2 चम्मच केचप हम इसमें डाल गए। 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। तो अब हमें इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, इसमें एक साथ नहीं हम डालेंगे, और चम्मच भी हम चलाते रहेंगे। बस हमें इतना ही इसमें शामिल करना है कि थिकनेस जैसी हम चाहते हैं इसकी, तो हमें बस उतना ही इसमें ऐड करना है। तो हम इसको ऐसे चम्मच से मिक्स करते रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे इसको। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की आ चुकी है, जैसा मुझे चाहिए था। और बस ये इतना थोड़ा सा बचा है 4 टेबल स्पून में से। तो अब मैं इसमें अंडे की सफ़ेदी डालूंगी। मैंने 3 अंडों की सफ़ेदी ले ली है, ये भी मैं थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूंगी इसमें। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसका चम्मच चलाएँगे, एकदम नहीं सारी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालते जाएंगे। सिर्फ हमने इसकी सफ़ेदी ली है अंडों की। बस इसको 1 मिनट हम पकाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है मैंने। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। सूप हमारा तैयार हो चुका है, इसका फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हॉट एंड सॉर सूप बनके तैयार हो चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द।